हमने आदर से प्यार किया था, सच्चा प्यार, भगवान को साक्षी मानकर हमने फेरे लिए, उसके नाम का सिंदूर है हमारे पास, तो ये बच्चा नाजायज कैसे हुआ? धोखा आरव ने दिया है, झूठ उसने बोला है, उसकी सजा उस मासूम बच्ची को क्यों? हाँ, उसने खून किया है हमारे विश्वास का, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इसे मार डालें। वो इस बच्चे को ना अपनाना चाहते हैं ना ही सही, हम इसे अकेले ही जन्म देंगे। एक बच्चे का अस्तित्व उसके पिता का मोहताज हो सकता है, लेकिन उसका जन्म नहीं। उसको दुनिया में लाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक माँ का होता है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अरु का फैसला बिल्कुल सही है। संजीवनी, तुम भी अरु का साथ दे रही हो? अरे जानती भी हो इस बच्चे के जन्म के साथ साथ। जन्म भर की मुश्किलें और तकलीफें आएंगी ना अरु के जीवन में, जानती है। बेटी है मेरी, उसकी तकलीफें देखी नहीं जाएगी मुझसे। इस वक्त अरु के लिए सबसे बड़ा दुख होगा इस बच्चे को खोना, और वो मैं हर किसी नहीं होने दे सकती। बहू ठीक कह रही है, इंसान का जन्म और मरण तय करने वाला सिर्फ ईश्वर है। अगर उनकी इच्छा है ये बच्चे इस दुनिया में आए, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? वाह, पूरा परिवार एक ही कश्ती में सवार होने चला है। लेकिन हम भी कह देते हैं, अगर इस बच्चे को जन्म देना है ना, तो इस घर से बाहर निकल जाओ। समाज में सम्मान खोना मृत्यु समान ही है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है दादाजी, इस परिवार का नाम आपसे जुड़ा है और बदनामी हमसे, इसीलिए हम इस शहर को छोड़कर चले जाएं। अरु, लाल गमछा, ये वही है ना? वो कड़क। हाँ, ये वही है। ले ले, ले दे तेरे मुझे। हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, हम ये अबॉर्शन नहीं करेंगे। क्या भैया, रोज इसी समय दिखते हो, कहीं ऐसा तो नहीं इस मैं खाने को अपने माजुका बनाना चाहते? सासुरी जिंदगी भी अपने है ना, घर पहुंचे नहीं कि बीवी का चिक चिक शुरू। लाओ लाओ, फलाना लाओ। समझ गया, सही कह रहे हो, लेकिन एक बात कहे, तबीयत से तो ये पी रहे जनाब। क्या बात है सरकार, सारा समंदर आज ही गटक लेने का इरादा है क्या? एकदम परफेक्ट की बैठा, बट वन मिस्टेक एंड एवरीथिंग इज ओवर। अच्छा खासा चैप्टर खत्म करके मूव ऑन कर रहा था, पर वो प्रेग्नेंट हो गई। अब इस झमेले से कैसे निकल? आखिर क्या चोट दे दी भाई उस लड़की ने? चोट हाँ, आरव त्रिवेदी के लिए लड़कियां ये, एक गई तो दूसरी गई तो तीसरी।
ऐसी बात है तो सरकार ऐसा कौन सा गम है जो भुलाने यहाँ आते हो? गम नहीं, गुस्सा। आरव त्रिवेदी गुस्सा मारता है और गुस्सा आ रहा है मुझे, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। जो लड़की मेरे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे थी उस पे मैंने मुंह क्यों मारा? Why the hell did I waste my time? तो कुछ समझ में आया? किससे डर रहे हो, हमसे या हमारे होने वाले बच्चे से, कि कहीं उसमें हमारी जैसी हिम्मत ना हो? Miss touch me not go, गुरु बहुत है अपने आप पर। गुरु और इसको तो तू ट्राई करके देख ले। अरे अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? आरव क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आरव छोड़ उसे, छोड़ मुझे, आरव मर जाएगा वो, छोड़। ऐसे मार था ना उनका। आप छोड़ उसे, इसकी गलती क्या है? इसकी गलती थी अरुंधति। कुछ याद आया? याद आया, वो बहन जी, वो चैलेंज, पूरी दुनिया की लड़कियां छोड़कर तूने मुझे अरुंधति से मिलवाया। याद आया, तेरी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। किसने चैलेंज किया था? तूने। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरब छोड़ उसे, अरब छोड़ उसे, मैं कहता हूँ छोड़। अरब क्या कर रहे हो? अरब क्या है? भाई लेके जाओ उसे, come on come on, अरब बिहेव यूरसेल्फ। अरब ये क्या हो रहा है? What are you doing here? जहाँ जहाँ अरब, वहाँ वहाँ मिस्टर कैलाशनाथ। Just shut up, नशे में धुत, रोड पे गुंडागर्दी करते हो, क्या हो गया तुम्हें? हुआ कुछ नहीं है, होने वाला है। बच्चा अरुंधति मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अरव पचती नहीं तो पीते क्यों? तुम इतना गिर गए हो अरव कि नशे में सच भी नहीं बोला जाता। आपको लग रहा है कि मैं नशे में बोल रहा हूँ? नहीं, I am telling the truth. मैं सच बोल रहा हूँ, सच। मैं किसकी कसम खाऊं? मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं इनकी कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरब, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अरुंधति को पूछ लो। मैं सच कह रहा हूँ अरब, अगर ये सच हुआ तो क्या? तो क्या? अरे मैंने उस पागल औरत को कहा कि अबॉर्शन करवा ले, अबॉर्शन करवा ले, मान ही नहीं रही है वो। आई हैव एन आईडिया। आप फोन करो, फोन करके अरुंधति को कहो कि अबॉर्शन करवा ले। जस्ट कॉल हर राइट नाउ। चलो मेरे साथ। यू टेल माय चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। सीधा अरुंधति के गुप्ता जी दरवाजा खोलिए। अरुंधति को समझाओ। चुप के चुप, पागल बन चुप करे। चुप। अबॉर्ट द चाइल्ड। थैंक यू वेरी मच। चुप। मां हम यहां नहीं रह सकते। बेकार की बातें मत कर रहा हूं। प्लीज मां, बच्चा रखने का डिसीजन हमारा है। तो ये कि हम अपना ख्याल रख सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं। तो थप्पड़ लगाऊंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। बच्चा कैसे संभालती जानती है तू? माँ सीख लेंगे, हम नहीं चाहते हमारी वजह से सबको तकलीफ हो। कौन सी तकलीफ आरू? जेठानी जी, अगर कोई सही काम कर रहा हो ना तो उसे टोकना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए। और वैसे भी महारानी ठीक ही तो कह रही है, अगर ये यहाँ रहेगी तो हमारी निक्की से कौन शादी करेगा? माँ, कौन सा बहुत दूर जा रहे हैं, बस इस घर से ही जा रहे हैं, आपके दिल से दूर तो नहीं ना? तुम कहीं नहीं जा रही हो अरु, पर पापा तुम्हें अपने बच्चे की देखभाल खुद करनी है ना, करो, पर मेरी बच्ची की देखभाल
मैं करूंगा। आप नहीं समझ रहे। बस इस बारे में अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं। देखो अश्विन बेटे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मेरा नहीं। जिस पोती को मैंने देवी से भी बढ़कर माना, उसने मेरे आत्मसम्मान को तोड़ दिया है। उसकी एक गलती की वजह से मुझे अपने आप पर शर्म आती है। मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। पिताजी, पापा, हम नहीं चाहते हमारी वजह से दादाजी और आप। तुम चिंता मत करो, मैं इनसे बात करती हूँ।